वेलकम टू पनेशे ट्यूटर। इस वीडियो में हम बात करते हैं पंजाब सरकार में हाल में ही पंजाब का बजट पेश किया है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी ने बजट पेश किया है। ये बजट जो है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, आम लोगों के लिए भी समझने के लिए भी जरूरी है। आइए डिटेल में बात करते हैं इस बड़ी बजट में क्या था। पंजाब सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, इस बजट के साथ साथ सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया है। ये जो बजट 2024-25 यानी कि अगले साल उस पीरियड में लागू होगा, ये जो बजट है 2,04,970 करोड़ का है, यानी कि 2 ट्रिलियन के करीब का है। आप हैरान होंगे, पहली बार हमारा जो बजट 2017-18 में 1,00,000 करोड़ टप गया था, इस बार मात्र 6 सालों के अंदर अंदर हमारा बजट जो है 2,00,000 करोड़ को पार कर गया। पिछले साल का जो बजट था, सरकार ने 1,96,462 करोड़ खर्चने की बात की थी। हालांकि सरकार का खर्चा बढ़ गया, सरकार का खर्चा 2.93% से बढ़ा और ये 1,99,076 करोड़ है। यानी कि आप कह सकते हैं इस बार सरकार का जो बजट है 2,00,000 करोड़ का है। पिछले साल का बजट जो था सरकार ने, उससे थोड़ा ज्यादा खर्चा। सरकार की इस बारी कामयाबी है कि सरकार ने कहा कि हमने किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया और बिना टैक्स बढ़ाए इतना बजट बना दिया सरकार ने। आइए और बात करते हैं कि इस बजट में और डिटेल में क्या था। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली जो GSDP होता है किसी राज्य का, उसके वहां जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उसको बताता है। तो इस बारी का जो बजट कहता है कि पंजाब सरकार का मानना है कि 2024-25 में हमारे जो स्टेट की इकोनॉमी रहने वाली है वो 1,00,000 करोड़ के करीब रहने वाली है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, यानी कि जो साल जा रहा है, इस बारी 7.36 लाख करोड़ थी और ये इस साल बढ़ के 9% से बढ़ के 1,00,000 करोड़ हो जाएगी। हालांकि ये भी 9.41% से बड़ी है, जो कि 2022-23 में 6,76,000 करोड़ के करीब थी। अगर आप GSDP, जैसे मैंने बताया कि अगर डेफिनेशन देखें तो द वैल्यू एडिड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए स्टेट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं फाइनल एक साल के अंदर एक स्टेट के अंदर, उसको अगर टोटल करते तो GSDP है। ये राज्य की इकोनॉमी को दर्शाता है कि हमारा इकोनॉमी का लेवल क्या है। जो ये GSDP है, ये 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है, एक तो मार्केट प्राइस और दूसरा कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ताकि हमें देख सकें कि कितना हमारा ग्रोथ हुआ है। तो कांस्टेंट प्राइस के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2011-12 है। तो 2011-12 के हिसाब से और करंट प्राइस के हिसाब से, तो करंट प्राइस के हिसाब से हमारी जो GDP है वो इस साल, यानी कि जो 31 मार्च खत्म होने वाला है, 7,36,000 करोड़ रहने वाली है। और कांस्टेंट यानी कि बेस प्राइस के हिसाब से हमारी जो GDP 4,93,283 करोड़, यानी कि 4.93 लाख करोड़ के करीब रहने वाली है, जो कि आप धीरे धीरे देखेंगे ये बढ़ ही रही है। पीछे 6.76 लाख करोड़ थी, उससे पीछे 2021-22 में 6.17 लाख करोड़ थी। यानी कि कांस्टेंट और करंट प्राइस के हिसाब से भी हमारी GDP ग्रो कर रही है। कोरोना काल में 2020-21 में थोड़ा सा सेटबैक जरूर लगा था, जो कि हमारी GDP थोड़ी सी जरूर कम हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कांस्टेंट प्राइस से ग्रोथ रेट को देखें, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है ग्रो कितनी कर रही है, यानी कि पिछले साल अगर सपोज करो मान लो 100 रुपीज थी, तो इस साल कितने ग्रो कर रही है। आप देखेंगे कि 2023-24 में जो एडवांस एस्टिमेट है 6.76% से ग्रोथ करने वाली है, और जो देश की है 7.32% से ग्रोथ करेगी। क्योंकि आपने देखा कि देश का भी GDP का डाटा Q3 का आया है, जिसमें हमारी GDP ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो कंपेरिजनली अगर ऑल इंडिया बेसिस पे 7.3% और इंडिया के हिसाब से पंजाब की GDP भी उतनी बुरी नहीं, 6.76% से ग्रो करेगी। पिछले साल देखें जो कि क्विक एस्टिमेट आ चुका है 22-23 का, तो 6.4% से पंजाब की GDP ग्रो कर रही है और देश की GDP 7.24% से ग्रोथ करी। कोविड काल में थोड़ा सा बुरा हाल था, हालांकि पंजाब का उतना भी बुरा हाल नहीं था जितना
देश का था, तो देश में माइनस में 5.71% चली गई थी और जबकि पंजाब की माइनस में 1.46, यानी कि माइनस 2% से भी कम, यानी कि 1.5% से भी कम हमारा डाउन गया। इस स्लाइड में देखें तो जो ग्रोथ के हिसाब से, तो इस बारी कांस्टेंट प्राइस से पंजाब की जो जीडीपी है वो 6.8% से ग्रो करने वाली है और पिछले साल यानी कि 2022-23 में 6.4% से ग्रोथ करी। और ये कांस्टेंट प्राइस में जैसे मैंने बताया कि बेसिक बेस प्राइस पे लिया जाता है, जो कि बेस प्राइस हमारा 2011-12 है। नेशनल लेवल, इंडिया के लेवल से भी कंपेयर करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बाहर आता है कि पंजाब की जो एवरेज जीडीपी है सिंस 2015-16 से अब तक 2023-24 तक 5.2% से एवरेज ग्रो हुआ है। और वही अगर देश की बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारी जो जीडीपी है इंडिया की 7.3% से, जबकि पंजाब की 6.8% से ग्रोथ करने वाली है इस साल। अगर आप सेक्टोरल वाइज देखो, यानी कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे बाहर आता है। पंजाब में जो एग्रीकल्चर है उसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 2022-23 में 24.64% था, यानी कि 24% के करीब एग्रीकल्चर का योगदान है एम्प्लॉयमेंट में। वहीं अगर आप जीवीए में देखें, यानी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 26%, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में शेयर 34% और जीवीए में 27%। सर्विस सेक्टर जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइडर है और इसका कंट्रीब्यूशन भी इकॉनमी में पंजाब की सबसे ज़्यादा है 45%। और अगर इंडिया के हिसाब से कंपेयर करो तो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है 45%, लेकिन इसका जीडीपी में मात्र ओनली 18% कंट्रीब्यूशन है। इंग्लैंड और अमेरिका का तो 2% ही है। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर का जीडीपी जीएसडी में कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ये बैकवर्डनेस को इंडिकेट करता है। वहीं इंडस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, उसका इंडिया में 25% के करीब एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है 2022-23 का, जबकि उसका इकॉनमी में 27% कंट्रीब्यूशन है। सर्विसेज सेक्टर 28% जस्ट नौकरी प्रोवाइड करता है, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं सर्विस सेक्टर को, लेकिन जीएसडीपी में 54%। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री का जो है कंट्रीब्यूशन बढ़े, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसी तरह से पंजाब की इकॉनमी, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी है, क्योंकि इसका एग्रीकल्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो पंजाब की इकॉनमी को भी अगर एडवांस इकॉनमी, डेवलप इकॉनमी करना है तो इंडस्ट्री सेक्टर को ज्यादा जोर देना, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। वन मोर इंडिकेटर जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया जाता है, जो एक स्टेट की इकॉनमी को इंडिकेट करता है, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो स्टेट की जीडीपी है उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो आती है। तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है 195,000 है 2023-24 का, और ये बेहतर है जब हम देश से कंपेयर करते हैं। इंडिया लेवल पे ये 185,000 ही है, यानी कि हम एटलीस्ट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो हमारा बजट है इस बारी, उसमें पैसा कहां कहां से है। तो हमारा जो बजट, जो कि आपने देखा 200,000 करोड़ के करीब है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का अराउंड 1,39,036 करोड़ का है। लेकिन इस 1,00,000 करोड़ में जो स्टेट के अपने टैक्सेस हैं, आप स्टेट के अपने टैक्सेस, यानी कि स्टेट जो जीएसटी वैट लगाती है, उसमें 58,900 करोड़ यहां से आ रहा है, यानी कि स्टेट के अपने रेवेन्यू 40% आप देखो जो टोटल पैसा हमारे पास है 200,000 करोड़ में, उसमें 40% यहीं से आ रहा है। उस तरह से स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 11,246 है, जो कि हमारे टोटल पैसे में से जो 7.68% बनता है। और वहीं जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है अराउंड 8% के करीब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो आप देखो 11,748 करोड़ का है। और सेंट्रल टैक्सेस में हमारा जो शेयर है 15% है, और सेंट्रल टैक्सेस में आप शेयर देखोगे वो 22,000 करोड़ के करीब है। तो इस तरह से ये 1,00,000 करोड़ के करीब, 1,00,000 करोड़ के करीब बनता है।
लेकिन आप सोचो कि भाई हमारा तो बजट 2 लाख करोड़ का, तो बाकी कहाँ से? तो बाकी जो है आप देखो कि गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट यानी कि जो है 42,000 करोड़ के 41,000 करोड़ के करीब सरकार को पब्लिक डेट और नॉन डेट रिसीट जो है 6,000 करोड़ इस तरह से, और कुछ हमें वेज एंड मीन्स आरबीआई से मिले हैं, तब जाकर ये 2 लाख करोड़ के करीब बनता है। पंजाब गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू है टैक्स का, वो हमारे GSDP का 7.34% है, और इस पर पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि लास्ट ईयर से 13% से ज़्यादा हमारे टैक्सेस एवरेजली बढ़े हैं, और अगर हम स्टेट के अपने टैक्सेस में से देखें तो किसका किसका कितना कितना शेयर है, तो आप देखेंगे GST का जो शेयर है अराउंड 25,000 करोड़ का है, VAT का 8,000 करोड़ का, स्टेट एक्साइज का 10,000 करोड़ का, और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का 5,750 करोड़ का, टैक्सेस एंड व्हीकल 4,350 करोड़ का, इसी तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3,500 करोड़। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो अराउंड सबसे बड़ा शेयर 44% का GST से है, उसके बाद स्टेट एक्साइज का 18%, देन VAT है, उसके बाद स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है, तो पेपर पॉइंट ऑफ सेल असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में GST से सबसे ज़्यादा 44%, और देन VAT, देन स्टेट एक्साइज, देन VAT और फिर स्टैंप, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। स्टेट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, अब आप सोचें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा, जो कि स्टेट के अपनी इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जो बसेस चलाती है या कोई स्टेट सेवाएं देती है, उसमें 11,000 करोड़ रुपए मिला है, यानी कि 11,000 करोड़ करीब स्टेट गवर्नमेंट का अपना, और ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है स्टेट का जो 11,000 करोड़ है, अराउंड 1.40% है हमारे GSDP का, यानी कि स्टेट के GDP का 1.4% है। अब बात करते हैं खर्चा साइड, अब तो पैसा आपने देख लिया कि कहां कहां से आया, खर्चे साइड में देखेंगे तो अराउंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार अपने जो रेवेन्यू खर्चे कर रही है अपने, यानी कि सरकार चलाने में, सैलरी देने में, पुलिस को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, बाकी पेंशन देने में, तो आप देखेंगे सैलरीज पे 35,000 करोड़ खर्चा कर रही है और पेंशन पे 19,000 करोड़, यानी कि इंटरेस्ट पे 23,900 करोड़, यानी कि इस बार 23,900 करोड़, अगर आप इंटरेस्ट को ही उठाएं तो हमारे जो टोटल पैसा है उसका 16.16% ब्याज देने में ही हम यूज कर रहे हैं ब्याज, और पेंशन में 13% जो हम सैलरीज में 23%, बाकी हम जो खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 32%, पब्लिक डेट में जो हम दे रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पब्लिक डेट अराउंड 13.73%। इस खर्चे में से कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है बहुत बड़ा शेयर है। कमिटेड एक्सपेंडिचर आप सोच रहे होंगे क्या है, तो कमिटेड एक्सपेंडिचर बेसिकली जो सरकार को देना ही होता है, जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस, ब्याज, पेंशन, सरकार चाहे रोए चाहे गाए सरकार को ये देना पड़ेगा। तो हम जो हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो टोटल हमारे पास पैसा आता है रेवेन्यू, उसका 75% के करीब हम दे देते हैं, यानी कि रेवेन्यू सरकार का जो भी अपनी कमाई है उसका 75% कमिटेड है, देना ही पड़ेगा, पहले से फिक्स है, और टोटल खर्चे का, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 62% हमें ये देना पड़ रहा है। अगर आप कमिटेड एक्सपेंडिचर को इस बार देखें तो पेंशन में 19,800 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट में 23,900 करोड़ और सैलरीज में 35,168 करोड़, बहुत बड़ा चंक है जो हमारी रेवेन्यू का चला जाता है। अब बात करते हैं कर्जे पर, हालांकि हमारा जो कर्जा है वो 3.74 लाख करोड़ का हो जाएगा इस बारी, मतलब अगर हमारे पास 8 लाख करोड़ के करीब हमारा GSDP है तो 3.74 लाख करोड़ के करीब हमारा कर्जा ही है। हालांकि सरकार बड़ी पॉजिटिव है, सरकार ने कहा है फ्रॉम डेट टू डेवलपमेंट, ये नारा दिया है सरकार ने। सरकार कहती है कि हमारा जो कर्जा इस साल अगर ऐड कर देंगे, यानी कि जो कमिंग 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च यानी कि 2024-25 पीरियड का है, तो 3.74 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी कि सरकार इस बरी जो है हमारी 3,74,091 करोड़, यानी कि 3.74 ट्रिलियन करीब कर्जा हो जाएगा, और टोटल GSDP जो है 8 ट्रिलियन, तो 8 ट्रिलियन का के हिसाब से 44% जो हमारा पैसा, हमारा कर्जा होगा, यानी कि हमारे GSDP का 44%
कर्जा होगा जो कि लगातार बढ़ रहा है। अगर आप बढ़ने की रफ्तार देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 2014-15 में मात्र 1 लाख करोड़ कर्जा था और ये पिछले 10 सालों में बढ़ के 3 times यानी कि 3.7 लाख 4 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह सरकार 30,465 करोड़ कर्जा लेने जा रही है। अगर ये ले लेती है तो 3,43,626 करोड़ मतलब 3.43 में जोड़ देंगे तो 3.74 हो जाता है। अब जो ये 36,000 करोड़ कर्जा ले रही है सरकार, उसमें से 23,900 तो ब्याज ही चुकाना है यानी कि पुराने कर्जे का ब्याज, और सिर्फ ओनली 12,866 करोड़ ही प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है। सोचने वाली बात है कि पुराना कर्जा इतना है कि हम चुका नहीं पाएंगे और ये भी हमारे जीडीपी का 44% हो गया है। नेक्स्ट पैरामीटर जो बजट में देखा जाता है वो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ये बताता है कि सरकार को टोटल एक्सपेंडिचर जो करने होते हैं यानी कि चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है तो कर्जा कितना लेना पड़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट आप देखें दैट इंडिकेट्स द borrowings of the government, that indicates fiscal deficit indicates the borrowing of the government. तो ये इस बारी 2024-25 में government ने कहा है कि 30,464 करोड़ वो लेंगे जो कि हमारे GSDP का 3.80% होगा। जो revenue deficit था वो ये बताता है कि सरकार अपने जो खर्चे हैं यानी कि जो office maintain है, law and order maintain है, उनके सरकारी खर्चे हैं जो revenue nature के होते हैं वो तो जाहिर है सरकार की अपनी कमाई से पूरे होने चाहिए कि वो भी कर्जा लेके करोगे, लेकिन आप हैरान होंगे रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा 23,198 करोड़ का है यानी कि हम अपना खर्चा, सरकार अपना खुद का खर्चा भी कर्जे से पूरा कर रही है अराउंड जीएसडीपी का 2.89%। पिछले साल यानी कि ये जो साल चल रहा है 23,811 जो कि 3.23% है। सरकार प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो आपने देखा जो हमने ब्याज चुकाया है 23,000 करोड़ के करीब, अगर वो ना चुकाना होता तो कितना कर्जा लेना होता, जस्ट इसी को प्राइमरी डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है, जस्ट 6,564 करोड़ यानी कि सिर्फ आपको अपने जीएसडीपी का 0.82% देना पड़ता जबकि इतना कर्जा है कि ये जीएसडीपी का 3.80% हो जाता है। इस कर्जे में जो ये फ्रीबीज हैं जो मुफ्त में सरकार बांट रही है, आप हैरान होंगे जो महीने के 300 यूनिट बिजली के यूनिट माफ करना है उसी पे गवर्नमेंट को 7,780 करोड़ खर्चना पड़ रहा है। सरकार साथ में जो फार्मर्स को फ्री बिजली देती है 9,330 करोड़ सरकार को देना पड़ रहा है और जो महिलाओं को फ्री में बस सर्विसेज दिए जा रहे हैं उस पर 450 करोड़ का बजट बनता है यानी कि सरकार का बर्डन इतना बनता है। इसीलिए सरकार का जो डेफिसिट है 30,000 करोड़ का है जो कि 3.80% है। पिछले साल लास्ट ईयर यानी कि जो जा रहा है 23-24 में ये 30,330 करोड़ का था जो कि 4.12% है। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं जो ये ब्लू लाइन है आपकी ये फिस्कल डेफिसिट को इंडिकेट करती है और जो ये लाइन है ये प्राइमरी डेफिसिट को रिप्रेजेंट करती है और ये जो लाइन है ये रेवेन्यू डेफिसिट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब एग्जाम में इन डेफिसिट से भी सवाल पूछते हैं ये जो लाइन है ये फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करती है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है रेवेन्यू डेफिसिट को और ये जो लाइन है ये प्राइमरी डेफिसिट को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखें जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 2022-23 में 5.4% था उससे नीचे ही उतर रहा है। अब आज इस साल प्लान किया है कि 3.80 हो जाएगा, हालांकि पिछले साल 4.12 देन 5.04 पीछे 2019-20 से ये बढ़ रहा था लेकिन अब ये डाउन की तरफ जा रहा है। उसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट देखें यानी कि सरकार अपना खर्चा पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही वो भी डाउन जा रहा है और प्राइमरी डेफिसिट भी डाउन जा रहा है। अब अगर इस साल के बजट की हाइलाइट्स देखें कि सरकार किन किन चीजों पर खर्च रही है तो सरकार ने एजुकेशन पे हाईएस्ट एलोकेशन किया है 16,987
करोड़ का, यानी कि लगभग 17,000 करोड़ का, जो कि 11% है टोटल बजट एक्सपेंडिचर का। और इस बारी सरकार ने 2022 में तो सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किया था, इस बारी सरकार ने स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस और मिशन समर्थ शुरू किया। अब आप सोचें ये क्या है, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस का मतलब तो आपने देखा होगा कि क्वालिटेटिव स्कूल बनाना चाहते थे, स्कूल ऑफ ब्रिलियंस ये चाहते हैं कि रूरल एरियाज में जो है वो बच्चों जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हें बेस्ट बनाया जाए, और अप्लाइड लर्निंग सरकार चाहती है कि जो कुछ स्कूल हैं जहां पर हाईटेक वोकेशनल प्रोवाइड किया जाए, और हैप्पीनेस ये प्राइम यानी कि टोडलर छोटे बच्चों के लिए वहां पर भी प्लेग्राउंड हो, वेंटिलेशन फैसिलिटी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस गवर्नमेंट बनाना चाहती है। कुछ और स्कीमें देखोगे तो जैसे पावर सब्सिडी, एग्रीकल्चर पर हमने बात कर ली, 9,330 करोड़ का खर्चना चाहती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम 575 करोड़ का, पेमेंट टू शुगर किंग फार्मर 390 करोड़ का, स्कूल ऑफ एमिनेंस 100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान 1593 करोड़, मिड डे मील स्कीम पर 467 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन पे 961 करोड़, आम आदमी क्लिनिक्स 249, इंडस्ट्रियल पावर सब्सिडी 3089 करोड़, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट 5925 करोड़, वेलफेयर स्कीम्स पर 1053 करोड़। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो सरकार अलग अलग एरिया पे खर्चना चाहती थी। ये थे इस बारी बजट के हाइलाइट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट मैटर से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।